तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और हमारे साथ अनिल अनिल जी हैं। जी तो अनिल यादव जी, हम बात करेंगे आज वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में फॉर्मेटिंग की। हम फॉर्मेटिंग ट्रिक्स को समझाते हैं क्योंकि वीवीए के थ्रू फॉर्मेटिंग बनाना सीख सके आप, क्योंकि जब रिपोर्ट को ऑटोमेट करोगे तो फॉर्मेट्स को भी ऑटोमेट करना जरूरी होता है। तो आज हम आपको आज की क्लासेस में हम फॉर्मेट को ही ऑटोमेट करना आपको सिखाएंगे कि किस तरह से फॉर्मेटिंग को ऑटोमेट किया जाता है। ओके, ओके सबसे पहले आप देखिए, फॉर्मेट को ऑटोमेट करने के लिए मैं मदद आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो कर देगा। तो मैं रिकॉर्डिंग मैक्रो को लेके चलता हूँ और आपको ऐसे भी नॉर्मली समझाते जाऊंगा। राइट सर, या मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि नेम लिख दिया। अब इसकी मैं फॉन्ट का सेटिंग करना चाहूंगा। ओके, जैसे कि अब मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ आर। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना है। तो रेंज A1 पे ध्यान ए देंगे, वन रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट नेम। कौन सा फॉन्ट? उस फॉन्ट का आप नेम लिख दें, यस और इसी तरह से ये आगे की तरफ चलता रहेगा कि फॉन्ट डॉट कलर, कि फॉन्ट की कलर क्या होना चाहिए। तो कलर दो तरीके से सकते हैं। एक होता है माने कि RGB हाँ, एक RGB होता है, एक होता है वीवी रेड। वीवी रेडियस रेड, वीवी ग्रीन, वीवी ब्लू, वीवी व्हाइट, वीवी ब्लैक, ये डाल सकते हैं आप। या अगर ये नहीं हुआ तो एक RGB कलर है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि A1 डॉट कलर, सॉरी फॉन्ट होगा ना, फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू हम देंगे RGB, और इसमें हम अपने नंबर देंगे जो आपका कलर का नंबर होगा। अब बोलेंगे कलर का नंबर कैसे पता चलेगा, कौन से कलर का क्या नंबर है, तो इसमें मदद आपको आपका एक्सेल करेगा। मान लीजिए कि मुझे जो भी कलर लेना है, आप मोर फील्ड पे चले जाइए, कस्टम पे आइए, ये आपका RGB। अगर 255 255 255 लेते हैं तो व्हाइट होता है। अगर आप ब्लैक करते हैं तो दो 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 ब्लैक होता है। अगर आप रेड करते हैं पूरा, चार होता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कलर, यहाँ पे आपको दिख जा रहा है रेड RGB होता है। R4 रेड, G4 ग्रीन, V4 ब्लू, उसी से सारे कलर बने हैं। और ये हमने अपने 10th 8th या 10th की किताब में पढ़ा भी था सर। या दूसरा हमारे पास एक ये है कि रेंज, यहाँ पे हम A1 डॉट हम यहाँ पे कर सकते हैं जैसे फॉन्ट, और यहाँ पे कर सकते हैं कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स में एक नंबर होता है ना, उस नंबर से आप इसको ले सकते हैं। तो कलर इंडेक्स का एक पैटर्न होता है 2000 इसमें 7 में, तो उसकी हेल्प तो हमारा मैनुअल था तो उसमें आ जाता था, लेकिन इस पे आप सर्च करना चाहे तो कर सकते हैं कलर इंडेक्स नंबर। यहाँ पे लिखा है कलर इंडेक्स फॉन्ट। तो कलर इंडेक्स होता है क्या है, इस पे क्लिक करेंगे तो उसका पैटर्न नहीं, इसमें पैटर्न नहीं है इसमें। ढूंढना पड़ेगा सर, मिल जाता है कि इसमें मिल जाता था आसानी से। ऑटोमेटिक कलर, नो कलर, यहाँ पे आपका कलर इंडेक्स नंबर आता तो है। इसमें शायद नहीं है,
ओके लिस्ट होता है कि कौन से कलर के लिए कौन सा नंबर होगा, ओके ठीक है ना, एक लिस्ट होता है। मैं एक बार ढूंढ दूंगा, ढूंढ के दे दूंगा। 217 में इजीली मिल जाता है सर, ओके 217 अगर आपके पास हो तो कलर इंडेक्स सर्च करेंगे। कलर इंडेक्स हम अगर सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें दिख जाता है। नहीं है, नहीं कलर इंडेक्स है ही नहीं। मैं कलर इंडेक्स रहता तो सिंपल से कलर इंडेक्स पे आ जाता। नहीं इसमें नहीं दिया हुआ ऐसा, ठीक है। लेकिन इसका नंबर होता तो जैसे एक नंबर से अलग अलग कलर देते हैं। अगर मैं आपको एक करो जिसमें 25 दिया हुआ है, तो 25 पे अगर रन करता हूं मैं तो आप देखेंगे देखेंगे कि इसमें इसमें कोई और कलर ब्लू आ गया ना। करेक्ट। लिस्ट में मेरे पास कहीं पे सेव है, मैं निकाल के भेज दूंगा, ठीक है। ओके यहाँ पे एक दिक्कत आती है, ये तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो करते हैं तो एक छोटा सा चीज आती है, उसको देख लीजिए। जैसे रिकॉर्डिंग माइक्रो में हमने बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन फॉन्ट बोल्ड ट्रू आ गया, राइट। अगर मान लीजिए हम अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाता है, तो अब यहाँ इटैलिक करते हैं तो इटैलिक आ जाता है, या फिर फॉन्ट की साइज बढ़ाते हैं तो उसकी साइज आ जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान से रखिएगा कि मुझे एक ही चीज के ऊपर कई सारे चीज अप्लाई करना है, तो मुझे हाँ अप लाइन में A1.bone ये डालना, इतना तो डालना ही पड़ेगा ना। करेक्ट करेक्ट आपको एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही सब ऑब्जेक्ट पे कई सारे मेंबर अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए हमारे पे कमांड है विथ का। विथ हमने विद द लिखी रेंज रेंज A1 डॉट, और यहाँ पे हम देंगे फॉन्ट, राइट। अब यहाँ पे दे दीजिए आपकी फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू जो नेम डालना है वो डाल दीजिए, डॉट साइज जो यहाँ पे फॉन्ट की जो साइज देनी है वो साइज दे दीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे डॉट आपको बोल्ड करना है, बोल्ड इक्वल टू ट्रू। इटैलिक करना है तो इटैलिक इक्वल करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स नहीं करना है। फॉल्स अगर कुछ नहीं छोड़ना है, फॉल्स छोड़ रहा है तो अप्लाई ही मत करो। डॉट अंडरलाइन, तो ये हमारे किसके हो गए, ये हो गया हमारे फॉन्ट के, ठीक है। ओके अब उसी तरह से आप रिकॉर्डिंग मैक्रो में कर लेता हूं एक बार, आप इसका भी कर सकते हैं कलर का। तो कलर पे मैंने बता, कलर का तो मैंने बता ही दिया। बैकग्राउंड कलर के लिए हम इंटीरियर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो आप यहां लिखेंगे रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर। कलर का जो मेथड, कलर का मेथड हर जगह पे सेम होगा, ध्यान रखिएगा हर जगह पे सेम होगा, ओके मैंने ऊपर समझाया, ठीक है। ओके फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर में, अब मैं अगर बात करूं कि मैं अगर अलाइनमेंट देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं करना चाहता हूं मार्ज, या मैं करना चाहता हूं लेफ्ट राइट, तो
तो इसके लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग मैम को करेंगे, देखिए बिट का कमांड यहाँ पे हो गया ना सर। अब सारे आ जाए, अब समझिए क्या है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, एक्सेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, एक्सेल राइट। ओके, बॉटम मिड अप ऊपर ऐसा। वाला जो होता है टॉप बॉटम मिड, तो होता है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। या करना है मतलब कि ये ऑप्शन अप्लाई करनी है, रैप करना है, तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब कि कितना डिग्रीज को रोटेट करना या है। एड इंडेन मतलब कि जैसे कि इंडेन होता है ये वाली, तो आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, या तो होगा आगे बढ़ाना है तो नंबर प्लस में, और पीछे करना है तो माइनस में। यहाँ पे देखिए या तो स्ट्रिंग टू फिट करना है, मोर सेल करना है, तो आप इन सबको इकट्ठे लिख सकते हो। मैं सबको अप्लाई करना है, सब लिखे बना जो जरूरत है वो लिखिए। जैसे कि यहाँ पे कि इंडियन का जरूरत था तो सिर्फ इंडियन नहीं चला, पूरा नहीं चला। ठीक है, या अब बात ओके करते हैं बॉर्डर की। अब मान लीजिए अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर लगाने का कोड होता है जैसे कि रेंज A1 डॉट बॉर्डर्स में, यहाँ पे डॉट बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स में एक होता है लाइन का स्टाइल, लाइन स्टाइल कौन सा चाहिए, तो मुझे वन मतलब कि कंटिन्यूअस लाइन चाहिए, ऑल लाइन जो यहाँ आपका दिख रहा है ना, ये ऑल लाइन चाहिए ऑल बॉर्डर। इसी में आप बॉर्डर में ओके आप जाते हैं, बॉर्डर में जाते हैं तो आप एक चीज देख लीजिए कि अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक तो लाइन हो गई कि आपको कंटिन्यूअस चाहिए या फिर डैश चाहिए, डैश डॉट चाहिए या डॉट डॉट चाहिए, ये इसकी लाइन के स्टाइल। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये हो गया डैश डॉट, यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो में ये रहा। तो इसने हटा दिया सर, कुछ लगाया नहीं ना, हमने यहाँ पे बॉर्डर पे जाना है, और बॉर्डर पे जाने के बाद हमें अगर हमने मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे इसको अप्लाई करना पड़ेगा ना। अप्लाई कर दिया, अब देखिए इसमें इसमें आपका बॉर्डर का लाइन स्टाइल नन रहा, ये रहा देखिए लाइन स्टाइल डैश डॉट डॉट एक्सेल डॉट डॉट। तो अगर मैं कोड लिखूं और यहाँ पे वन के जगह पे एक्सेल कंटिन्यूअस वन होता है, शॉर्ट कट उसका नंबर वन वन होता है, वन डाल देते हैं तो एक्सेल कंटिन्यूअस को भी रीड कर लेता है, तो इसके जगह पे मैं डैश डॉट करूंगा तो डॉट डॉट लाइक की लाइन आएगी, पूरे में आएगी। मतलब कि हम जिसको सिलेक्ट करके जो अप्लाई करते हैं ये पूरा आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं जैसे कि इसको राइट क्लिक किया बॉर्डर में जाते हैं फॉर्मेट सेल में, मैं ये दोनों अप्लाई करना चाहता हूँ, चाहे मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, ये हर चीज के लिए यहाँ अप्लाई होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से इसको नीचे से देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ देखिए सिलेक्शन डॉट बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर, एक्सल इनसाइड हॉरिजॉन्टल, एक्सल इनसाइड वर्टिकल, एक्सल एट राइट, एग बॉटम, एग टॉप, एग लेफ्ट, दिख रहा है, एग राइट, समझ गया। तो ये आप दे सकते हो कि आपको बॉर्डर में कौन सा चाहिए और उसकी लाइन स्टाइल क्या होना चाहिए, और कलर वगैरह डालना है तो डालिए, ऑटोमेटिकली छोड़ दीजिए। उसका वेट थिन या थिक, थिक मतलब मोटे वाला, थिन या हाँ, पतले वाला। तो बोलो इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग करके आप देख के समझ जाइएगा कौन सा क्या। रिकॉर्डिंग भी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो हर एक कोड याद करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग से आप इजीली निकाल सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट वो मतलब ये प्रैक्टिकली ये है कि हम लोग मैक्रो राइट करके उसका कोड निकाल लें तो ज्यादा है। तो हमने फॉन्ट अप्लाई कर लिया, हमने अलाइनमेंट अप्लाई कर लिया, हमने कलर अप्लाई करना सीख लिया, हमने बॉर्डर अप्लाई करना सीख लिया, राइट। अब बात आती या है नंबर फॉर्मेटिंग, जैसे मुझे डेट की फॉर्मेटिंग देनी है B1 पे, अच्छा A2 पे, A2 पे यहाँ पे डॉट नंबर फॉर्मेट और इक्वल टू कौन सा डेट का फॉर्मेट चाहिए, DD,
MMMYY, मतलब नंबर फॉर्मेट में जब आप फॉर्मेट सेल में आप जाते हैं तो आपका नंबर फॉर्मेट है ना, कस्टम में जो कोड आप अप्लाई करते हैं ये सारे कोड आप अप्लाई करके अपनी नंबर फॉर्मेटिंग ला सकते हैं। जैसे मुझे करेंसी का माल, करेंसी का ये चाहिए, तो इसकी कस्टम में देखिए एक कोड होता है, अब एक कोड डालना पड़ेगा। और इसको बेटर समझने के लिए आप मेरी कस्टम फॉर्मेटिंग की वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी, उसको देख लीजिएगा। ओके तो अभी आप क्या कीजिए, पहले फॉर्मेटिंग को रिकॉर्डिंग मार्क आउट करके पूरी तरह से सीख लीजिए, राइट। उसके बाद कोई एक बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको कल जो है आपको एक फॉर्मेट बनाएंगे और एक फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे होमवर्क के रूप में। ओके पहले फॉर्मेटिंग पे अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, कल मिलते हैं।